दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए रोड इंस्पेक्टर भर्ती 2023 की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सड़क निरीक्षक की बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 11 फरवरी 2023 है। 761 वैकेंसी यहाँ पर निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या क्वालिफिकेशन एज लिमिट रहने वाली है, सैलरी आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड की जाएगी, कैसे इस भर्ती के लिए आपका चयन किया जाएगा, एग्जाम पैटर्न सिलेबस इसमें क्या रहेगा, क्या आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन करते समय जमा करना होगा, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं रोड इंस्पेक्टर भर्ती 2023 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर रोड इंस्पेक्टर की, सड़क निरीक्षक की यहाँ पर ये पोस्ट निकली है। 761 यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 11 फरवरी 2023 है। आवेदन इस भर्ती के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। 19,500 से 71,900 सैलरी है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 37 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस ₹150 है, एग्जामिनेशन फ़ीस ₹200 है, जो कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पे, ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। TNPSC.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहां से चेकआउट कर सकते हो, जो कि हम डाउनलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के एंड में हम आपको भी जानकारी देंगे कि कैसे आप भी ये इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन TNPSC की ओर से ये विज्ञापन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 640 है। नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 है। 13 जनवरी को ऑफिशियल पोर्टल पर यह नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है और 13 जनवरी से ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से 11 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। रोड इंस्पेक्टर की पोस्ट है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आप जैसे ही इस PDF को स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट डिटेल दी गई है कि कैसे आप इस भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वैकेंसीज डिटेल की अगर बात की जाए तो यहां पर रोड इंस्पेक्टर के लिए तमिलनाडु पंचायत डेवलपमेंट इंजीनियरिंग सबोर्डिनेट सर्विस के अंतर्गत 761 वैकेंसीज निकली है। 691 प्लस 70 बैकलॉग वैकेंसीज है। यहां पर SC कैटेगरी के लिए 19,500 से 71,900 लेवल 8 के अंतर्गत सैलरी है प्रति माह के लिए। बात अगर यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन एज लिमिट की जाए, साथ ही साथ यहाँ पर डेट और टाइमिंग की जाए तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल दी गई है। इम्पोर्टेंट डेट के नोटिफिकेशन की पूरी यहाँ पर डिटेल है। नोटिफिकेशन 13 जनवरी को पब्लिश हुई है और ऑनलाइन करने की लास्ट डेट 11 फरवरी है। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन होगी 16/2/2023 से यहाँ पर 18/2/2023 तक। जी हाँ दोस्तों, 16 से 18 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हो। रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट की बात की जाए तो पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट पेपर ITI स्टैंडर्ड ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए यहाँ पर 7 मई 2023 डेट है। सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे का टाइम है। पेपर सेकेंड पार्ट ए तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट SSLC स्टैंडर्ड और पार्ट बी जनरल स्टडीज ITI स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर 7 मई एग्जाम डेट है।
दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक इसकी टाइमिंग रहेगी। तो ये यहाँ पर पूरी एग्जाम की डिटेल है। इसी तरह यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल की अगर बात की जाए, साथ ही साथ एज लिमिट की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। एससी एसटी एमबीबीसी के लिए यहाँ पर कोई मैक्सिमम अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। इसी तरह एज लिमिट के साथ बात अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए, तो आपको यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मस्ट प्रोसेस आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप और यहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और साथ में मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास पास के साथ में यहाँ पर आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है। 10th प्लस आईटीआई से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी की एलिजिबिलिटी की डिटेल भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट क्राइटेरिया आपको यहाँ से इसमें दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टैट डिटेल देख सकते हो, नॉलेज इन तमिल की जानकारी, साथ ही साथ यहाँ पर फीस डिटेल दी गई है, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, और साथ ही साथ एग्जाम यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको फीस पेमेंट और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की डिटेल दी गई है। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न की इन्फॉर्मेशन है। ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर ओएमआर मेथड का ये पेपर होगा। यहाँ पर देख सकते हो पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें सब्जेक्ट पेपर के लिए 200 क्वेश्चन होंगे आईटीआई स्टैंडर्ड के अंतर्गत ड्राफ्टमैन सिविल में। यहाँ पर 3 घंटे का टाइम होगा, 300 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। इसी तरह पेपर सेकंड में देख सकते हो यहाँ पर इसके लिए भी आपको डिटेल दी गई है। इस पीडीएफ को आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, पेपर सेकंड के लिए देख सकते हो, और साथ साथ यहाँ पर पार्ट बी पार्ट ए दोनों के लिए देख सकते हो, यहाँ पर डिटेल से दी गई है। पार्ट ए में यहाँ पर तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो उसके लिए 3 घंटे की टाइमिंग रहेगी। इसी तरह यहाँ पर पार्ट बी में जनरल स्टडीज साथ साथ 10th और आईटीआई स्टैंडर्ड के लिए एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए 3 घंटे का टाइम होगा। 150 इसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स होंगे, और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो यहाँ पर पार्ट ए है उसके लिए 60 मार्क्स है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी की डिटेल्स भी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हो एससी एसटी कैटेगरी के लिए 135 है, अदर कैटेगरी के लिए 180 क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसी तरह यहाँ पर ये पूरा पैटर्न दिया गया है। सब्जेक्ट भी आज यहाँ पर आप इसमें सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस आप रीड कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की आपको यहाँ पर डिटेल दी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ से सेंटर कोड के साथ में चेकआउट कर सकते हो। तमिलनाडु के अंतर्गत यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। आप यहाँ से देख सकते हो 15 एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, जो आप टेबल से वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे इस पीडीएफ को और स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई की पूरी यहां पर आपको डिटेल्स दी गई है। पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आप यहां पर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, फोटोग्राफ सिग्नेचर आप कैसे और कितने केबी में अपलोड कर सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल भी आप पीडीएफ से ही चेकआउट कर सकते हो। जी हां दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों, अगर आपको भी ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक्स का ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप ओपन नोटिफिकेशन पीडीएफ के लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे, तो इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करोगे, तो इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड डैशबोर्ड इस टैब पर क्लिक करके आप यहाँ से इस भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डैशबोर्ड का सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहां से भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हां दोस्तों, न्यू यूजर और रजिस्टर्ड यूजर यहां पर आप रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर देख सकते हो जो इसका होम पेज होगा अप्लाई नाउ की टैब, इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो यहां पर भी ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो रोड इंस्पेक्टर के सामने आपको तमिल इंग्लिश से यहां पर नोटिफिकेशन, दोनों लैंग्वेज में नोटिफिकेशन के लिंक दिए गए हैं। साथ साथ अप्लाई नाउ का भी लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आपको अप्लाई करने के लिए क्लिक करना होगा। यहां पर आप लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।